Hi guys, I'm a bird. आज हम रहने वाले हैं in a tree house for 24 hours straight. अभी आपको पहले दिखाते हैं कि हम कितनी मुश्किलों का सामना कर कर इस ट्री हाउस तक पहुंचे हैं. Like literally ये ट्री हाउस का जब मैं आपको टूर दूंगी तो आप सोचोगे हमें भी यहाँ आना चाहिए. क्या लगता है ट्री हाउस के अंदर भूत मिलेंगे? बहुत बढ़िया, ट्री हाउस है, डेंस फॉरेस्ट में है, भूत का पता नहीं, साइलेंट जरूर मिलेगा. बड़ी सड़क कैसी है? सड़क तो है ही नहीं. बहुत ही अमेजिंग व्यूज है हर तरफ. कौन सी ट्री में से तेरा घर है? अब पता नहीं, देखते हैं. नीचे जाके बर्ड बनूंगी आज मैं. उड़ के जा यार, ये तो बहुत नीचे है. ट्री हाउस वालों ने ट्री हाउस का कॉन्सेप्ट बहुत सीरियसली ले लिया. मुझे लगा था कि बस बर्ड बनेंगे वहां जाके, तो हमें सच में बर्ड बना के नीचे उतारना चाहते हैं यार. इतना ज्यादा गहरा, ये देखो कहां से जाना पड़ रहा है यार. इतना ज्यादा वहां चुपके चुपके हम जा रहे हैं. यहां से तो हम वापस भी नहीं आ पाएंगे. गाइस तो ये गोभी उग रही है यहां पे. गाय कह रही है प्रेरणा नाम का भोजन आ गया उसे. वो तुझे खा के ज्यादा खुश होगी. वो लंबे पाइनएप्पल बाल वालों को खा के खुश होती है. यह हमारा सामान पैक हो चुका है. तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ से व्यू क्या अमेजिंग है. मजा आने वाला है. गाइस देखा आपने कितनी ज्यादा जद्दोजहद के बाद हम यहाँ पे पहुंचे. काफी स्कैरी भी होने वाला है, स्पूकी, बिकॉज यहाँ कुछ है नहीं. मतलब रात को आप इमेजिन करो सिर्फ पेड़ ही पेड़ और आप पेड़ पे हो. मतलब मैं बर्ड बन गई हूँ आज फॉर 24 आवर्स. आई एम अ बर्ड. ओ नकली बर्ड. बर्ड के तो विंग्स होते हैं. तेरे विंग्स कहाँ हैं? मेरे पास भी है विंग्स, थोड़ी देर में दिखाऊंगी आपको. दिखाओ. तो ये बर्ड आपको लिटिल सा टूर देने वाली है इस पूरे ट्री हाउस का. एक्साइटेड? चलो शुरू करते हैं. तो गाइस चलो आपको लेके चलते हैं मेरे ट्री हाउस के अंदर. अब यहीं पे हमने रहना 24 आवर्स. और मेरे ट्री हाउस का नाम है पियर, क्योंकि मुझे पियर बहुत पसंद है. तो फिर ठक ठक ठक, लेट्स गेट इट. कितने कंफर्टेबल कुशन्स है, बेडिंग है. क्या कर रहा है तू पेड़ के साथ? मैं पेड़ को ना उखाड़ना चाह रहा हूँ. चल तेरा मैंडेटरी बेड वाला पोज मैं कर लेता हूँ. यहाँ से ही बालकनी का एक्सेस है. जाइए और देखिए कितनी बड़ी बालकनी है. मॉर्निंग टी पीने का कितना मजा आएगा. आप मेरे इस गेटअप को, इस बर्ड के गेटअप को 10 में से कितना रेट करोगे जरूर बताना कमेंट्स में. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? 0 बोलता है, कभी 100 कहता है. क्या चाहता है तू? इतनी बुरी लग रही हूँ. 10, 1 भी तो लगा 0 के आगे. 12 seconds later. प्रेरणा? Yes. अपने ट्री हाउस के नेक्स्ट सेक्शन में चलें? Yes. ये स्वीट वाला ट्री हाउस है, तो चलो आपको दिखाते हैं अंकल लिविंग एरिया. लेट्स टेक इट. तो यहाँ पे देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल सा लिविंग रूम. ये प्यारे से यहाँ पे शैंडलियर्स लगे हुए हैं. गाइज मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये लड़की इतना फुदक रही है, ये ट्री हाउस तोड़ देगी. गाइज वुडन ट्री हाउस है ये. ट्री हाउस ना मुझे देख के क्या याद आ रहा है, वो वेलकम का सीन याद है लास्ट वाला? एक पूरे ऐसे ऊपर वो ट्री हाउस की तरह ही घर बना होता है. हाँ हाँ, साफ होगा. अगर इसको किसी ने तोड़ दिया तो वेलकम के घर की तरह हम बैठे हुए और तोड़ दिया और हम लटक गए खाई की तरफ. फिर बुरा ही बोलता है हमेशा. मैं तो जा रही हूँ एंजॉय करने, उड़ने जा रही हूँ मैं. मुझे अब बहुत मजा आ रहा है और आज हम यहाँ पे करने वाले बहुत फन. यार ये शैंडलियर कितना अच्छा लग रहा है ना. फोटोज तो बनती है, चलो फोटो सेशन करते हैं. हर्ष हमारे लिए यहाँ पेड़ से तोड़ के भुट्टा लेके आए हैं. एंड आई कांट बिलीव कि पेड़ पे भुट्टे लगते हैं. मुझे तो लगता था आज तक सिर्फ कॉर्न्स नीचे से ऐसे आ जाते हैं और हम वही खा लेते हैं. मुझे इतना उल्लू बनाता है, क्या समझता है ये पता नहीं. क्या भुट्टे के दाने हैं यार. आज तेरा यही खाना है? चिड़िया चुप के यही सब खाती है. चिड़िया वाला खाना. करेले भी लगे हुए मंगवाऊं? नहीं, तू ही खा ले करेला. क्रीपी ब्रेडा मत कर ऐसे यार, देख के कुछ हो रहा है. हिट स्मैश फॉर कॉर्न लवर्स. बंदर आवाजें करते. गाइस मेरे ट्री हाउस में बंदर भी है. मुझे तो नहीं कह रही बंदर. हो सकता है. चोर का चांडा. प्रेरणा yes. क्या करें इस तेरे बड़े से ट्री हाउस में, बोर हो रहा हूँ मैं. हाइड एंड सीख खेले. मुझे नहीं खेलने. चल यार हाइड एंड सीख खेलते. इतना बड़ा ट्री हाउस है, इतना बड़ा.
मेमोरी चैलेंज करते हैं। मेमोरी चैलेंज खेलना है तेरे को। आज तक कोई चैलेंज तो जीती है नहीं, तू स्टार्ट कर दे। गजब बेइज्जती है। ओके, तो हम बोलेंगे प्रिंसेसेस के नाम। ये तो मुझे पता ही नहीं। तभी तू मेरे को ज्यादा ओवर वो कर रहा है ना, बेइज्जती कर रहा है मेरी। तो अभी अब तू प्रिंसेस के नाम लेगा मेमोरी चैलेंज में। मैं स्टार्ट करूं सिंड्रेला। ये तो मैंने सोचा था। सिंड्रेला प्रेरणा। वेट अ मिनट, हु आर यू? मम्मी नहीं पता क्या करूं, मैंने ले दिया नाम, तू बता। तो तू हार गया। क्यों, प्रेरणा प्रिंसेस है। ठीक है, सिंड्रेला प्रेरणा स्लीपिंग ब्यूटी। सिंड्रेला प्रेरणा स्लीपिंग ब्यूटी वेक अप ब्यूटी। म्यूजिक। हर्ष ये चैलेंज हार चुका है, इसको डिज्नी प्रिंसेस किसी का नाम नहीं पता। क्यों, अगर स्लीपिंग से तो वेक अप मेरा हो गया। अबे साले, अब तू बता सेकंड राउंड में तू क्या चाहता है, क्या बोले हम? क्रिकेटर्स के नाम। मजा आया। ओके, आई डोंट माइंड, स्टार्ट कर। सचिन। सचिन विराट। सचिन विराट सहवाग। सचिन विराट सहवाग रोहित। सचिन विराट सहवाग रोहित गौतम गंभीर। सचिन विराट सहवाग रोहित गौतम गंभीर सौरव गांगुली। कप्तान हां दे जलसे ते नचने दा मेरा अज जी करदा कप्तान हां दे जलसे ते नचने दा मेरा अज जी करदा। सचिन विराट सहवाग एक मिनट। हां ओके यार, तूने बीच में टोक दिया। बोल। गलत है, सचिन विराट सहवाग रोहित गौतम गंभीर सौरव गांगुली ब्रेटली। सचिन विराट सहवाग रोहित गौतम गंभीर सौरव गांगुली गौतम गंभीर ब्रेटली कपिल देव। सचिन तुम जीते गए। विराट सहवाग रोहित गौतम गंभीर सौरव गांगुली ब्रेटली कपिल देव सकलेन मुश्ताक। क्या 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 क्या, ये गलत बोला तूने जानबूझ के। ये है कोई? सचिन विराट सहवाग रोहित गौतम गंभीर सौरव गांगुली ब्रेटली कपिल देव सकलेन मुश्ताक। ये गलत है, मैंने बोला यार। राहुल रवि। सचिन विराट सहवाग रोहित गौतम गंभीर कपिल देव ब्रेटली। मैं तो खुद भूल गई। मैं भी खुद ऐसे ही बोल रहा हूँ। फिर तो तू हार गया। अच्छा सही बोल रहा है। खेलना नहीं आता तो चीटिंग तो मत करो। हाँ सुन लिया, पहले ब्रेटली था, मैंने ब्रेटली बोला। नहीं बोला, तू हार गया। खुश हो गया कि मैं हार गया। 2 hours later। रेना ये ले पत्ता ले, आज का तेरा डिनर यही है। दीजिए। अब तूने यही खाना है और यही तेरा डिनर है। अभी यार टेस्टी नान छोले रोटी और तू खाएगी पेड़। पेड़ कितने अच्छे होते हैं ना, हमें छाया देते हैं, फल देते हैं, सब्जी देते हैं, प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, पोल्यूशन से बचाते हैं। आई लव यू पेड़। Later. तो गाइस ये आ गया हमारा बारबेक्यू सेटअप। I'm so excited because आज हम प्रिया हाउस के अंदर करने वाले हैं बारबेक्यू सेटअप। मन था बाहर जाने का, बारबेक्यू करने का, बट ऑब्वियसली 24 आवर्स के लिए अब यहीं पे रहना है तो फिर यार बाहर तो जा नहीं सकते थे। तो हमने रिक्वेस्ट करी प्रिया हाउस के ओनर को एंड स्वीट ओनर ने हमें कहा कि ओके आप लोग अंदर ही कर लो। तो आशा से लग रहा हम बिल्कुल VIP बन चुके हैं, 24 आवर VIP चैलेंज भी कर सकते थे। बट अगर आप चाहते हैं कि हम चैनल पे 24 आवर लिविंग लाइक अ VIP करें तो डू कमेंट डाउन 200K लाइक्स आते तो हम पक्का करेंगे। एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल अगर अब तक नहीं करा तो। अभी चलते हैं बाहर, हर्ष बारबेक्यू से अपनी आग सेक रहा है क्योंकि बहुत ठंड भी है। ऐसे सही बताऊँ तो मैं भी मजे लेती हूँ ना, बाहर जाके एंजॉय करती हूँ। बारबेक्यू सेटअप पार्टी करते हैं, सही लग रहा है, सॉलिड एकदम। नहीं सीखना है? ऑफ कोर्स। ये खाने में ध्यान है बस तेरा? मैं दोनों में इंटरेस्टेड हूँ, सेकना भी चाहती हूँ और खाना भी चाहती हूँ। देख रहा कितनी मेहनत कर रहा है। क्या होगी, क्या होगी आंखों में? धुआ जा रहा है यार, कितनी मेहनत करवाती है लड़की। ओए 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 ओए। प्रेरणा तेरा डिनर आ गया यार। बढ़िया, तेरा नहीं है ये, मेरा डिनर है। क्यों? तू वही खाएगी ना पत्ते, वो रे हरे हरे पत्ते। मैं तो नहीं दूंगी। वो खाएगी तू? ना, ना, नहीं प्रेरणा, प्रेरणा गलत है।
यार क्या है, ट्री हाउस में रह के तू चना चाट खाएगी? पीनट सैलेड, पीनट मसाला खा रही है। और क्या क्या है तेरे डिनर में ये तो बता दे। वेज मंचूरियन है। अच्छा जी। पर ये तेरे लिए मैंने ऑर्डर किया। ओके। और ये यम्मी सी खीर है। ओ वाओ, हमारी मॉडर्न चिड़िया है तू, सब कुछ खाती है। मजा आ रहा है। मैं तेरे को पत्ते खिलाने वाला था बस। मतलब कोई सेंस है इस बात का? मैं भी यही सोच रहा हूँ। लोग तंदूरी नान खाते हैं, पराठे खाते हैं, छोले खाते हैं, मतलब राजमा खाते हैं, कड़ी चावल खाते हैं, और हम क्या खा रहे हैं? मंचूरियन और खीर। क्या कॉम्बिनेशन है ये तो ना इंडियन डेलिकेसीज का सबसे ज्यादा वियर्ड कॉम्बिनेशन होगा। कैसा लग रहा है यार? मंचूरियन इतने डिलीशियस बने हैं ना, मैं सच में यकीन नहीं कर सकता था। हिमालय से उत्तराखंड में आके मैं। अबे तू ये भी देखना, ड्यू टू कोविड सबने अपना लिमिटेड मेन्यू करा हुआ है, फिर हमने एक अतरंगी चीज ऑर्डर की, उन्होंने बना के दे दी। वाह यार, मजा आ गया। पिक्चर मजा आ गया, मजा आ गया। द नेक्स्ट डे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज गए हैं। एज यूजुअल प्रेरणा सो रही है, इसको उठाते हैं पहले और फिर आपको ट्री हाउस के बाहर का व्यू दिखाते हैं। प्रेरणा, ओ माय गॉड, इतना बैंड और अपनी स्टिक लेके सो रही है, कितनी लल्लू है ये लड़की। तो चलो आपको दिखाते हैं बाहर का व्यू। Come and fly away with me. 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 Guys, हमारा स्टे तो बहुत अल्टीमेट रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छी नींद आई है और सुबह के नजारे बहुत ही अलग है। We just loved our stay at Tree House Mukteshwar. चलो कॉफी ऑर्डर करते हैं। कॉफी ऑर्डर करने के बाद ही ये मैडम जी उठेंगी। A few moments later. Yes, good morning. तो मैं फाइनली उठ चुकी हूँ और ये स्पेक्स वाली प्रेरणा को आप पहचान नहीं पा रहे तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये भी मेरा एक अवतार है। ट्री हाउस में कॉफी पीने का फन भी आने वाला है, बिकॉज पीछे भी पेड़ है, यहाँ भी पेड़ है। मतलब यार देखो तो सही, क्या कमाल बनाया बनाने वाले ने। आइए प्रेरणा, आपका वेट हो रहा था। तो इस पेड़ के नीचे बैठ के हम कॉफी पियेंगे आज। आइए। Cheers. तो कैसा लग रहा है ट्री हाउस में रह के, कैसी नींद आई आपको? बहुत ज्यादा अच्छी यार। मेरे को लग रहा है कि मैं मतलब लास्ट अपनी लाइफ में ना एक चिड़िया ही थी एक्चुअल में। अच्छा। और मैं पेड़ों पर ही सोती थी, तो आज इस वुडन पेड़ पे रहने में मुझे बहुत मजा आया। ज्यादा नहीं हो गया? कमाल हो गया, बेमिसाल हो गया। अब बिल्कुल यार एकदम तड़ाम ते तुड़ूम हो गया। ज्यादा नहीं हो गया थोड़ा? साथ के साथ आप ये व्यू एंजॉय करिए और हम कॉफी एंजॉय करते हैं। तो गाइस यही खत्म होता है हमारा 24 आवर्स लिविंग इन अ ट्री हाउस, सक्सेसफुली पूरा हो गया है। सो लेट्स एग्जिट। प्रेरणा ऑलरेडी जा चुकी है, मैं रुका था सामान वगैरह कलेक्ट करने के लिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वॉन्डर्स हब। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।